कि हाँ कि मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ, तो मुझे बताएं कि आप उस वक्त आपकी क्या वैसे तासुरात थे कि मैं तू मेरा दोस्त है, मैं तेरी बहन से शादी करूँगा, क्या वैसे था जब उन्होंने आपसे कहा था? बहरोज ने जो बात जी जी हाँ वो भी कमाल बात थी कि भाई नहीं वो ऐसी वो वाकया ये था कि मैं और बहरोज सब्जवारी, ये बात है 86 की, 86 में एक फिल्म मैं कर रहा था, उसका नाम था हलचल, परवेज मलिक साहब डायरेक्टर थे, मैं था, शबाना फ्रॉम बांग्लादेश और टर्की से नाजा साची थी, और आई वाज द हीरो, और बहरोज उसमें एक कैरेक्टर कर रहा था। तो हम लंदन शूट के लिए गए, और लंदन शूट के बाद हमने टर्की आना था और वहाँ शूट करनी थी। तो जब हम लंदन से टर्की आ रहे थे तो जहाज़ में बैठे और इसने मुझे कहा कि जावेद एक बात करनी है। मैंने कहा मुझे पता तुमने क्या बात करनी, कहते ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हें कैसे पता यार, मेरे दिल में है, दिमाग में है, तुम कह रहे हो तुम्हें पता है। मैंने कहा अबे यार छोड़ दो यार, तुम यार बड़े अपने अपने आप को ये ना समझा करो कि तुम्हें पता है। मैं ये वो घबरा गया बेचारा, कहने लगा ये ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा नहीं सुने ना, मैंने कहा मुझे पता है, बोला मैंने तो अभी बोला ही नहीं, मैंने तो कहा मैंने एक बात कर रही, तुम कह रहे हो पता है, क्या पता है भाई। मैंने कहा एक सेकेंड, वो पेन लिया, कागज़ लिया, मैंने उस पर कुछ लिखा, मैंने ऐसे करके रख दिया। मैंने कहा हाँ बोलो अब, हाँ वो कह लगा कि वो मैंने बात करनी थी रिश्ते की। मैंने कहा पर्ची उठाओ, उसमें पर्ची उठाया तो उस पर लिखा रिश्ता। किसी हिंट कैसे मिला आपको? बस जब कभी ऐसा कि हुआ तो आपने देखा कि हाँ कोई पसंद की, कोई आपने कोई नजरों में ऐसी चीज देखी, या कोई मुस्कुराहट में ऐसी कोई चीज देखी? कुछ नहीं बस हाँ। एक छठीस और ये मैंने कहा कि भाई ऐसे बोला, वो तो वो मेरे पाँव में गिर गया, बोला बाबा जी। बाबा ही कह रहा है। तो जरा आपने पापड़ इनसे बुलवाए कि नहीं जैसे ये भी करके दिखाओ, ये भी करके दिखाओ, फिर हम देखेंगे तुम्हारी भैंस शादी। मेरे वालिद साहब हयात थे, और उन्होंने जब ये बात होगी सीरियसली, फिर उनकी फैमिली हमारे घर पे आई, और वो मेरे वालिद साहब ने कहा कि भाई जो जावेद फैसला करेगा वही होगा। वालिद साहब ट्रस्ट करते थे। तो मेरी सिस्टर के और बहुत से रिश्ते आए थे, काफ़ी लोग थे, कोई मेल ऑनर है तो कोई ये है तो वो है, और बहरोज उस वक्त ज़ीरो था। तो अब वो वालिद साहब ने पूछा कि भाई क्या करते हो, वो नहीं वो वालिद साहब मेरे हकीम हैं और ये है सब्जवारी साहब, बड़ा नाम है भाई उनका। तो मगर मैं अभी कुछ नहीं करता, मैं गाड़ियों का कारोबार करता हूँ और जावेद साहब मेरे यहाँ और टीवी का मैं ये काम करता हूँ। तो वालिद साहब ने मुझसे पूछा कि भाई ये क्या, मैंने कहा मेरा ख्याल है यही सही है। तो बोला क्यों, मैंने कहा बात ये है कि वो जो बंदा है जो पैसे वाला है, हम उसको मैं उसको नहीं जानता, उसके पास पैसा है, पता नहीं हमारी बहन को खुश रख सकेगा कि नहीं रख सकेगा, पैसे से तो खुशी नहीं आती, पता नहीं उसका क्या, मगर ये इस बंदे को मैं जानता हूँ, इसकी नज़र ठीक है। हाँ लेकिन ये पहले वक्त के लोग ही जिस बात को कंसिडर करते थे कि भाई ये बंदा शरीफ है, शरीफ है। पैसा बाद में आएगा, यस अभी शराफत देखनी देख फैमिली देखते थे। उस हाँ। वजह से मैंने कहा कि भाई ये बंदा शरीफ है और मुझसे शरीफ है। मुझसे शरीफ है, मैं गारंटी दे सकता हूँ। बाद में ऐसा नहीं कभी आपकी बहन की लड़ाई हुई बहरोज साहब से लेकर जावेद भाई ने शादी कराई? नहीं वो तो है, देखे ना माशाल्लाह 38 साल हो गए शादी, माशाल्लाह 38 साल हो गए, और बहरोज भी माशाल्लाह क्या तरक्की करके कहाँ हाँ। पहुँच गया। कहते तो देखो मेरी बहन के नसीब के देखो, बस ये देखो ये कुदरत है हाँ। ये कुदरत है जो ये कहते हैं ना कि आपने कहा कि पहले वक्त के लोग इस तरीके से सोचते और ऐसे ही सोचा और देखो वैसे ही हुआ। वाकई रिश्ता आता था जी, क्या जी बस लड़के शरीफ है जी, सोमो सलात की पाबंद है, शरीफ घराना है, बस जी कर दें, बाद में जो रिस्क है वो तो फिर आ जाएगा। अच्छा जी कुछ हमने ना सवालात जो हैं वो लिए हैं आपके लिए कुछ खवातीन से, हमारे रिपोर्टर गए जी और उन्होंने आम आवाम से बात की, तो क्या सवालात हैं जरा आपके साथ शेयर करते हूँ। इतने सारे स्कैंडल्स के बारे में आपका सुना और देखा, इतने सारे स्कैंडल्स और अफेयर्स थे आपके, तो क्या जिस बंदी की आप तलाश में थे वो बंदी मिल गई आपको? ये चेक करें मतलब साथ और मेरी टीम ने पहले ये अच्छा ये बताए क्या
वो कह रही थी कि आपके जो है बिकॉज यू बैक इन देयर यू वेरी रोमांटिक हीरो, उन्होंने कहा कि आपके हमने इतने सुने थे कि जी क्या फेस है, दोबारा जरा सवाल जरा प्लीज सुना दे। सर मैंने इतने सारे स्कैंडल्स के बारे में आपका सुना और देखा, उतने सारे स्कैंडल्स और अफेयर्स थे आपके, तो क्या जिस बंदी की आप तलाश में थे वो बंदी मिल गई आपको? बंदी की आपको तलाश थी वो बंदी मिली आपको, ये पूछना चाह रही हैं? हाँ, मिल भी जाती है, मिल भी गई है। मिल भी जाती है, मिल भी गई। अभी तलाश जारी रहनी, तलाश जारी रहनी, दिल जवान होने चाहिए, तलाश जारी रहनी चाहिए, तलाश। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल प्लीज। मुझे आपसे पूछना ये था कि हमारे जो पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ के ड्रामास और फिल्म्स हैं वो सिर्फ उनकी स्टोरीज शादियों में ही क्यों फंसी हुई हैं? जैसे हमारे इंटरनेशनल है, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, उनके कंटेंट, उनकी स्टोरीज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, वो रियलिटी बेस्ड होती हैं बहुत सी, तो हमारी ही इंडस्ट्री जो है वो कब तक शादियों के चक्कर में पड़ी रहेगी? हाँ ये बताइए। देखो बात ये है कि बाखुदा मैंने कोई कहानी नहीं लिखी है, ना मैं राइटर हूँ, मैं तो एक्टर हूँ और मैं काम करता हूँ, और बात वैसे सही है। हाँ, वो क्योंकि आप इंडस्ट्री से ना, तो उनको ये कि आप बताएं कि क्या, मगर वो बात ये है, देखिए बात ये है, जो आवाम देखती है वही बनाते हैं ना ये लोग, क्या करें। बिल्कुल सही बात है, आप कोई डिफरेंट चीज बनाएंगे वो बोलेंगे मजा नहीं आ रहा। ड्रामा हिट करवाती है घर की खवातीन, और घर की खवातीन जो है वो अपना काम किया, उसने कहा मेरा टाइम हो गया, मैंने अब ड्रामा देखना है, वो इन्वॉल्व हो जाती है उसके अंदर। अब आपने कोई एक चीज़ दिखाई है, उसके लिए तो ये वेब सीरीज तो बन ही रही है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ, बिल्कुल। तो लिहाजा जो ड्रामा है वो कब आप देखें, कब से चला आ रहा है और आज तक वही, और उस टाइम पे चीजें डिफरेंट, स्टोरीज और होती थी, मैसेज और होता था। अब तो, और आपने इतनी सही बात की कि देखिए जो ऑडियंस जो देखना चाहती है वही तो बनता है। अब आप देख लें आजकल बेबी बाजी ड्रामा इतना हिट हुआ, और उसमें वही है कि जी घर की लड़ाइयाँ, सास बहू की लड़ाई और बहुएं जो हैं, तो ये चीजें मतलब अब की थोड़ी कोई नई स्टोरी थोड़ी है, लेकिन लोग ये देखना चाहते हैं। तो इस वजह से, हाँ, इसलिए कि उन कोई ना कोई कैरेक्टर उनको अपना नजर आता है इसके अंदर। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बात तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल देखिए प्लीज। सवाल है, आपको खवातीन में लाल लिपस्टिक पसंद है या पिंक? क्या आपको खवातीन में लाल लिपस्टिक पसंद है या पिंक? एक जमाना था कि मैंने फिल्में भी डायरेक्ट की है, तो आप यकीन करें कि मैंने अपनी हीरोइन को खुद सजाया है, यानी कि मैं उनको कहता था कि तुमने रेड नेल पॉलिश लगानी है पाँव में, हाथों में, और प्रॉपर लिपस्टिक, प्रॉपर ये पूरा मैंने उनका बाल, ये वो नीली सना, इन सबको, मीरा, इन सबको मैंने पाँव से लेके सर तक जितना भी है वो मैं करता था। हाँ, कि नहीं ये प्रॉपर, यस प्रॉपर होना चाहिए, और वो नज़र आता था। मिसाल के तौर पे चीफ साहब की शूटिंग थी, तो वो मीरा आई है और उसका एक नेल चिप था, तो उसने ऐसे करके सलीम के हाथ रखा, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या हुआ, तो बोला कहाँ नज़र आएगा, मैंने कहा तुमको किसने कहा कर नज़र नहीं आएगा, मैंने अगर तुम्हारा बड़ी स्क्रीन, मैंने तुम्हारा क्लोज लेना है, मैंने यहाँ से, तुम्हें तो नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, तो तुम ये मुझे नहीं बोले, यार ये कैसे, कौन बंदा यहाँ से पकड़ता, मैंने कहा नो वापस जाओ, वो पूरा ठीक करवा के आओ, और फिर वो सो आई वाज सो फिनिकी। तो हीरोइंस वाला डरती होंगी कि आने से पहले जी प्रॉपर मैनिक्योर पेडिक्योर करा लीजिए डायरेक्टर साहब के सामने। हाँ भाई देखे ना, जैसे मेरी फिल्म थी ये दिल आपका हुआ, उसमें जब किसी की जगह पे नहीं, वो तो मुझे जीने दी, इसको मैंने कास्ट किया तो लोगों ने पूरी इंडस्ट्री में मुझे कहा कि यार ये किसको तुम हीरोइन ले रहे हो, मैंने कहा सना को, तो सना उस वक्त शी वॉज नथिंग, शी वॉज नथिंग, हाँ साइड रोल, वो चूड़ियों में एक साइड रोल किया था, सरदार कमाल, एग्जैक्टली, तो वो अजीब सी पेंडू लुक थी उसकी,